हर हर महादेव माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ब्लॉग बहुत दिन से नहीं आ रहा है, 2 महीना हो गया ना। अब चलिए आज चलते हैं रावर्सगंज, ठीक। रावर्सगंज चलते हैं, रावर्सगंज चल के आपको दिखाते हैं। ओबरा से निकलेंगे, ओबरा टू रावर्सगंज, कुछ गाड़ी के काम से जा रहे हैं। तो चलिए हम जा रहे हैं और हमारी डार्लिंग अमन मेरा मित्र साथ में चल रहे हैं। आपको नज़ारे दिखाएंगे, क्या नज़ारे हैं। आज है 15 जुलाई 2024, ठीक। तो चलिए आज का दिन कैसा होता है आज ब्लॉग बना के दिखाते हैं आपको। पूरा ओबरा से लेके चौपन का बाजार वजार दिखाते हुए, पूरा पुल उल मारकुंडी चढ़ते हुए, पूरा टोल पार करते हुए, पूरा रावतगंज जितना घूमेंगे उतना दिखाएंगे, ठीक। देखिए ब्लॉग में। तो चलिए बने रहिए और प्यार दीजिए, और नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, लव यू। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से 30 किलोमीटर रावतगंज है, 111 किलोमीटर मिर्जापुर। ये देखिए हम लोग शारदा मंदिर से निकल चुके हैं। ये धूल प्रदूषण लेते हुए ये पहाड़ को देखिए, ये पहाड़ आधा काट चुका गया है। ये देखिए हमारा सोनभद्र का व्यू, कुछ इस प्रकार से व्यू है, पूरा नज़ारे। और राइट साइड जाएंगे डाला, उधर डाला हो गया, इधर हम लोग चलते हैं बाएं साइड चौपन। चौपन से होते हुए सलखन होते हुए पूरा रोड आपको दिखाएंगे। और यहाँ से देखिए 310 किलोमीटर अयोध्या है, सासाराम अरे सारनाथ 111 किलोमीटर। ये देखिए चौपन हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए चौपन का बोर्ड और ये कुछ वातावरण चौपन के नज़ारे हैं। अगल बगल हरियाली एकदम छाया हुआ है। और इधर देखिए सामने रोड एकदम चिकना, उसी पे गाड़ी एकदम पहटते हुए। ये देखिए हमारे चेहरे को भी देख लीजिए थोड़ा नज़ारे, पीछे बस आ रही है, ये बस हमसे आगे निकल गई। और इधर देखिए ये दशहरा, यहीं पर रावण बनेगा अभी, तो वहाँ ब्लॉग दिखाएँगे आप सभी को। ये हम लोग एंटर कर चुके हैं चौपन बाज़ार में। तो चौपन का बाज़ार कुछ इस प्रकार से है जैसा देख रहे हैं आप, दोनों साइड देख लीजिए। उधर से आते समय भी आप लोग को दिखाएंगे, इधर से जाते समय भी दिखा दे रहे हैं जितना आप सभी को हो सकता है। ये देखिए कुछ व्यू, ये चौपन बाज़ार पूरा इस प्रकार से है, कुछ चेंजिंग भी हो चुका है नया नया। ये देखिए इधर मॉल वॉल बन चुका है, कुछ दुकानें 3-3 तल्ला 4 तल्ला, कुछ इस प्रकार से व्यू है चौपन बाज़ार का। चौपन बाज़ार भी अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, जनसंख्या बढ़ता है तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है। देखिए यहाँ पर भी एक तो मॉल टाइप में बना है, फिर आगे भी एक को बना है। ये देखिए कुछ पीछे के नज़ारे, और ये देखिए कुछ इधर कुछ इस प्रकार से, इधर वो इधर के कुछ नज़ारे हैं। और उधर जो पीछे साइड में था ना, वो क्या नाम था याद नहीं आ रहा, बाद में बताएंगे। आगे देखिए इस प्रकार से कुछ नज़ारे हैं रोड के। यहाँ आ गया रिलायंस पेट्रोल पंप, यहाँ पर तेल नहीं था, हम लोग फिर आगे चल दिए हैं। ये देखिए हीरो का, चौपन में हीरो का एजेंसी वहीं पर है, जस्ट रिलायंस पेट्रोल पंप के आगे, वही चीज़ नज़ारे हैं। ये देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं चौराहे के पास में, जो जिधर से सरकारी जाता है, CSC जाता है ना चौपन वाला, CSC हॉस्पिटल सरकारी। ये देखिए चौराहे पर आ चुके हैं, चौराहे पर भी इतने दूर में कुछ बाज़ार है। और ये देखिए बोर्ड, देखिए इधर जाने वाला है अघोरी किला, बाएं साइड। ये हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रिज पे, ब्रिज के कुछ व्यू देख लीजिए। ये देखिए सोन नदी पहुँच चुके हैं हम लोग चौपन के, ये चौपन का सोन नदी है। ये सोन नदी पूरा अटैच है डिहरी ऑन सोन से, बिहार डिहरी ऑन सोन से जुड़ा हुआ पूरा सोन नदी उधर से आया है। ये देखिए एकदम संगम की तरह एकदम नदी हो गया था, अगर मिला हुआ पानी नहीं, उसी तरह नहीं लग रहा जैसे कि गंगा जमुना सरस्वती अलग अलग कलर के लाल और वाइट, उसी तरह कुछ हुआ है सोन नदी का पानी। और इधर देखिए कुछ व्यू, वो देखिए कितना सुंदर, वो देखिए मंगलेश्वर पहाड़ी हमारे महादेव, उधर एकदम छाया जब जाते हैं तब धूप रहता है एकदम। अभी देखिए एकदम ठंडा मौसम है वहाँ उधर साइड में। और ये ब्रिज के कुछ नज़ारे हैं, व्यू देखिए, ये कुछ इस प्रकार से व्यू हैं। ये देखिए यहाँ पर छाया है इतने दूर में बादल का, ये देखिए आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल सीन। और ये देखिए कुछ डार्लिंग के साथ, नज़ारों के साथ मज़े लेते हुए चौपन सोन नदी के ब्रिज के ऊपर कुछ इस प्रकार से व्यू है जैसा देख रहे हैं। अब हम लोग पहुँचेंगे कुरनूल करके नाम है एक तो, चौपन के आगे है गांव है उसका बोर्ड। ये देखिए कुछ व्यू, ये देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारे हैं, थोड़ा मस्ती मजाक चलता रहता है। अब बहुत दिन के बाद ब्लॉग भी आ रहा है, तो चलिए आप सभी को दिखा रहे हैं। ये देखिए करहुल पहुँच गए हैं,
करहुल। ये देख करहुल से आगे चलते हुए फिनसलखन जाएंगे, फिनसलखन पहुँचेंगे। ये देखे मंगलेश्वर पहाड़ी भी आपको सामने दिख ही रहा है, एकदम बड़ा सा ऊंचा सा। वहाँ का भी ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, दो दो बार इस बार भी फरवरी में गए थे। पूरा एकदम एक तरफ से वो मारकुंडी तरफ से जाया जाता है ना, उधर साइड से भी रास्ता है, उधर का भी बनाए हैं उधर से जाने का, और एक इधर से पहाड़ चढ़ने का भी रास्ता का बनाए थे पिछले साल सावन में। ठीक, तो वो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन में। ठीक, और ये देखिए कुछ व्यू, आप लोग देखते रहिए और ब्लॉग को इंजॉय कीजिए, हम मजा लीजिए। इस प्रकार से कुछ बहुत दिन के बाद निकले हैं ना, इसलिए थोड़ा ये देखिए मंदिर हमारे, आगे भी एक छोटा सा मंदिर है। और ये देखिए यहाँ देखिए ये माता रानी का अमला भवानी जाने का रास्ता, इधर ही से हम लोग एक बार पिछले सावन में मंगलेश्वर पर गए थे, मंगलेश्वर धाम। इधर ही से चढ़ना रहता है, पाँच पूरा एकदम सीधा चढ़ाई रहता है। ब्लॉग देखेंगे ना बहुत मज़ा आएगा, आप सभी को देखिएगा ज़रूर। ठीक, अमला भवानी उधर से जाया जाता है। और यहाँ तक हम लोग अब सलखन पहुँचने वाले हैं, फिर सलखन से मारकुंडी पहाड़, फिर मारकुंडी से फिर राव। देखिए सलखन पहुँच चुके हैं, ये हो गया सलखन का ब्रिज जो नीचे से जाता है, ओके ये ब्रिज हो गया। ठीक, ये सलखन है, सलखन का भी छोटा सा बाजार इस प्रकार से है, दोनों साइड में कुछ इस तरह में जा रहे हैं। अब देखिए मारकुंडी घाटी दिखने लगा यहाँ से, मारकुंडी पहाड़, ये देखिए हरा भरा पूरा खेत, मारकुंडी देखिए दिखने लगा, मारकुंडी घाटी आगे सामने कुछ इस प्रकार से व्यू है। अब व्यू देख रहे हैं कितना अच्छा, एकदम नज़ारे हैं मस्त। ये देखिए एकदम खेत दोनों साइड, आगे छाए हो गया, अब हम छाए में एंट्री करेंगे, फिर धूप आ जाएगा। ये देखिए छहिरा धूप, छहिरा आधा धूप आधा छाए, आधा धूप आधा छाए, इसी प्रकार से कुछ व्यू है। और ये देखिए अब मारकुंडी पहाड़ पे का व्यू दिखाते हैं आप सभी को, क्या नज़ारे हैं। थोड़ा जुलाई उलाई से एकदम मस्त हरा भरा हो जाता है, बारिश हो जाता है ना तो एकदम हरा भरा हो जाता है। देखिए देखिए जूम कर रहे हैं, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं व्यू है। अभी वहाँ चल के देखेंगे तो और मज़ा आएगा आप सभी को। देखिए ये है मारकुंडी से नीचे का जो दुकान उकान है सब साइड वाइड का, इधर साइड में इधर मेरे एक सूरज दोस्त का भी एक ज़मीन है उधर पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में। ये देखिए इधर से भी देखिए मंगलेश्वर पहाड़, इधर से भी बनाया है, इस बार फरवरी में गए थे। इधर से मंगलेश्वर पहाड़ 27 किलोमीटर पड़ता है, पूरा एडवेंचर एकदम। आप बाइक से जाएंगे ना तो एकदम एडवेंचर, स्कूटी से कम जाइएगा लेकिन चल जाते हैं जगह बना बना के, लेकिन बहुत ईंटा चट्टान है। ये उधवा वाला भी ब्लॉग देख लीजिएगा, बहुत मस्त लगेगा। ठीक, इधर से भी मंगलेश्वर जाएगा, उधर से पहाड़ चढ़ के, इधर से पूरा बाइक से एकदम पास। और ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों, ये मारकुंडी घाटी पर, घाटी पर चढ़ते हुए का नज़ारे कुछ एक अलग ही। देखिए एकदम हरा भरा हो चुका है, पानी जब पड़ता है एकदम हरा भरा सटा सटा, देख रहे हैं एकदम हरा भरा हो चुका है। बारिश के दिन में एकदम हरियाली हो जाता है, उसे तो हरा भरा है लेकिन और हरा भरा हो जाता है, चमकने लगता है। ये देखिए ये डिजाइनिंग देखिए, कुछ इस तरह लद के बस के ऊपर पीछे ये जा रहा है। अरे सर, अरे देखिए ये भी एक लद के जा रहा है ट्रक के ऊपर, तीन दो ठो गाड़ी एक ठो ट्रक ले जा रहा है। ठीक, छोटा सा। और ये देखिए कुछ मारकुंडी घाटी के जस्ट लग पहुंच चुके हैं पास में। और ये देखिए यहाँ से कुछ बनारस 95 किलोमीटर दिखा रहा है, 90 किलोमीटर ऐसे मिर्ज़ापुर है यहाँ से, उसी तरह है कुछ नज़ारे। और ये व्यू देखिए, हमारा सोनभद्र चमकता धमकता सोने का खदान है एकदम। देखिए एकदम उधर से आने वाला रास्ता, उधर से जब आएंगे ना वो भी दिखाएंगे। अभी चलिए चढ़ाई चढ़ते हैं, इधर से जाते हुए रावसगंज दिखाते हैं पूरा। सोचें कि आप सभी को पूरा दिखाते हुए चलें, रास्ते भर जितना गांव देहात बढ़ता है दो तीन टे, पूरा मेन मेन जो मेन मेन चीज़ पड़ता है, मेन मेन गाँव टाइप में शहर टाइप में थोड़ा वो दिखाते हुए। ये व्यू देखिए कुछ इस प्रकार से मारकुंडी घाटी का, ये व्यू कुछ ऐसा है नज़ारे हैं। ये देखिए आगे से, ये देखिए चढ़ाई पे चढ़ते हुए एकदम सनसनाते हुए, पांच गियर पे गाड़ी एकदम सनसनाते हुए, भरभराते हुए चढ़ते हुए एकदम दनदनाते हुए। और ये देखिए हम लोग एकदम मुंह बंद करते हुए एकदम हवा के आनंद लेते हुए, ये हमारे अमन साहनी जी आगे बाइक राइडिंग करते हुए, हम पीछे चुंडी लहराते हुए, मेरा चुंडी एकदम धर।
अच्छा भाई हो गया ना। Received 30 rupees on Google Pay. निकले आए थे का? तरह है भाई। ये मारकुंडी घाटी का व्यू, यहाँ कोनो ठोला जाए, हरा हरियाली क्या खूबसूरत है। ये देखिए दोस्तों, कुछ मारकुंडी घाटी के ऊपर से व्यू, खूबसूरती खूबसूरती। ये वो है सोन नदिया वाला है कि इसी तरह है? सोन नदिया है ना, पूरा यहाँ तक फैला हुआ है पूरा ये मारकुंडी चढ़ाई। ये देखिए तालाब है, ये लग रहा बांध इसी तरह बना है, बांध है ये, कुछ इस तरह नजारे हैं। तब चला जाए, बड़ी धूप लग रहा है भाई, हालत खराब हो जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ से फिर प्रारंभ कर चुके हैं अपना यात्रा हम लोग चढ़ते हुए पहाड़ के ऊपर। बस ये आखिरी चढ़ाई है, यही चढ़ते हैं। इधर से बस दो ही एक राउंड मुड़ा जाता है, चढ़ जाता है, उधर से चार राउंड मुड़ के उतरा जाता है, वो भी दिखाएंगे आप सभी को। आगे चढ़ाई देख लीजिए, फिर उतराई दिखाएंगे, ठीक। पहले चढ़ाई चढ़ा जाता है, फिर उतराई देखा जाता है। चढ़ने में टाइम नहीं लगता है, उतरने में सड़क जाते हैं सड़क से। ये देखिए एक ट्रक खराब होके यहाँ पर खड़ी है, एकदम ईंटा पत्थरा लाद के। ये कुछ व्यू है हमारे मारकुंडी घाटी का। ये इको पॉइंट भी है आगे सामने, चलिए दिखाते हैं। जो नए लोग हैं, जो नहीं जानते हैं, वो ज़रूर देखिएगा। इको पॉइंट का भी ब्लॉग इसके बाद आएगा, इस ब्लॉग के बाद, ठीक। इसके बाद लगातार ब्लॉग हफ्ते में एक दूठे आएगा, इंतज़ार कीजिएगा आप। जल्दी जल्दी थोड़ा कोशिश करेंगे, महीना में दो चार पाँच ठे डाल देंगे ब्लॉग, ठीक। ये देखिए कुछ व्यू है उधर से उतरने का, देख रहे हैं सांप जैसा रास्ता है। और ये इस प्रकार से यहाँ पर भी एक तो बोर्ड लगा है दोस्तों, बोर्ड को देख सकते हैं। यहाँ से वाराणसी 90 किलोमीटर, 95 किलोमीटर, 90 किलोमीटर मिर्ज़ापुर। और यहाँ पर है हमारे देवी माँ, ये देखिए हमारे थोबड़े को। और फिर इसके आगे ये देखिए माता जी को प्रणाम करते हुए, ये हमारे देवी माता का मंदिर, और उधर हनुमान जी का भी मंदिर है, ठीक। ये देखिए दोनों साइड में पहाड़, और बीच में हम लोग एकदम निकलते हुए, जैसे माझी जी पहाड़ काटे थे, यहाँ पर जेसीबी से काटा गया है। यहाँ माझी जी नहीं काटे हैं, ठीक, यहाँ जेसीबी से काट के बना हुआ है। वहाँ पर भी देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो ज़रूर माझी पहाड़ देखा जाएगा, वहाँ पर भी घूमने जाया जाएगा। देखिए कब जाते हैं, ये देखिए इधर के पूरे नज़ारे, ये उतरने वाला रास्ता है, अभी उधर से जब रिटर्न होंगे दिखाएंगे। ये देखिए झरना इधर से बहता है, यहाँ इको पॉइंट है, यहाँ पिकनिक मनाते हैं सब लोग। यहाँ हरदम 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 मान लीजिए अभी तक बरसात में भी पिकनिक खूब मनता है यहाँ पर, समझे। कहें कि यहाँ इधर बाएं साइड में पूरा पहाड़ से झरना निकलता है, यहाँ से 500 मीटर दूरी पे टोल पड़ता है जस्ट, आप बिना टोल दिए नहीं जा सकते हैं। ये देखिए टोल का रेट है 250 रुपये अप डाउन का, बस जाने का रेट है 150 रुपया, ठीक। ये देखिए कुछ पहुँच चुके हैं, अब सोनभद्र जिला में एंट्री करने वाले हैं हम लोग, ठीक। अभी बहुत दूर है, मतलब ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये मिसाइल चौराहा इसका नाम है, मिसाइल देखिए उधर दिख रहा है, ठीक। आदर्श नगर पालिका, ठीक। ये देखिए आगे चलते हुए एकदम नज़ारों के आनंद लेते हुए, धूप में यहाँ नया पेट्रोल पंप बन रहा है एक तो हॉस्पिटल के बगल, जैसे हॉस्पिटल से पहले फिर ऑपरेट थे पेट्रोल पंप बन रहा है, लोढ़ी हॉस्पिटल। ये है सरकारी जिला हॉस्पिटल जिसको कि लोढ़ी कहा जाता है, लोढ़ी में। ये देखिए इसका भी ब्लॉग इस ब्लॉग के बाद आएगा, फुल ब्लॉग पूरा अंदर अंदर से, जहाँ जहाँ जो चीज़ है, जहाँ इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ दवा मिलता है, सब दिखाएंगे, ठीक। इसके बाद ब्लॉग वो वाला भी शूट हो चुका है, बस आने वाला है इस ब्लॉग के बाद, इंतज़ार कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनभद्र ज़िले का भी बहुत ब्लॉग, ये देखिए डीएम ऑफिस, हमारे डीएम ऑफिस बाएं साइड में देख रहे हैं। ये यहाँ से चले जाएंगे पहाड़ी के उधर, देखिए उधर डीएम ऑफिस हैं। और ये देखिए सोनभद्र का पूरा मार मार के जितना सेफ्टी दिया जाए, सेल्फी पॉइंट बना था पूरा चिथड़ा उड़ा दिए सब अक्षरों का, कुछ इस प्रकार से है। यही कहा जाता है जब अच्छा चित दो तो उसका भी कदर नहीं होता है, ठीक। ये हो गया, हम लोग बिछुआ पहुँच गए क्या। ये देखिए दोस्तों यहाँ पंचमुखी भिंत्री इस तरह कुछ करके उधर मंदिर है, पंचमुखी महादेव मंदिर एक उधर है चुरक वाले रोड में, और इधर साइड में कुछ इस प्रकार से भी हुआ। इधर केंडा कोडी ये करी महादेव मंदिर गए थे एक बार, उसका भी ब्लॉग बनाए हैं, देख लीजिएगा। कंडा ये देखा, रावसगंज पहुँच चुके हैं, रावसगंज का बोर्ड फाड़ दिया गया है। इस प्रकार से रावसगंज में एंट्री होते हुए हम लोगों का,
रावसगंज में कुछ इस प्रकार से देखिए, फोर लाइन, ये इमरती कॉलोनी जाने का रास्ता, ये देखिए इधर से इमरती कॉलोनी, वहाँ ये देखिए इधर कुछ बोर्ड के नज़ारे। अब हम लोग नीचे से चलेंगे अपना, तो आपको एक नया गाड़ी दिखाते हैं जो अमन लेगा। हम नहीं लेंगे, हम मेरे पास आए ना, अमन अपना पुराना वाला डिस्क्वालीफाई करके नया गाड़ी दे। अब आए हम लोग गाड़ी के कागज ले, आइए है ना रे, आई वाला 125 cc, ये वाली कह रहे हो ना अमन, आई वाली ना के दोस्तों, नया गाड़ी एक्सट्रीम। दोस्तों रावसगंज पहुंच चुके हैं दोस्तों, ये है चौरा। हाँ ये है रावसगंज का थाना, ये थाना नहीं उधर थाना है, मतलब वो देखिए वो मंदिर दिख रहा है ना, वही थाना में मंदिर है। हाँ आदर्श कोतवाली रावसगंज। दोस्तों आप लोग लोन वोन पे ले रहे हैं गाड़ी, श्री राम फाइनेंस वाला यहाँ पर है। मतलब एरिया बता दे रहे हैं ना यार, बैंक के जस्ट बगल में है, हम लोग जैसे ढूंढना पड़ रहा है उस तरह कोई को नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब निकल चुके हैं, हम लोगों को कागज लेना था, ठीक, गाड़ी का जो EMI का कागज होता है वो हम लोगों को अप्लाई कर दिए। अब अप्लाई करने के बाद दोनों लोग लिए थे ना, तो वो अब हम लोग का आ जाएगा, ठीक, कहें कि सब फाइनल वाइनल हो जाता है किस्त उस्त, तो आ जाता है कागज, मिल जाता है, तो 15 दिन लगेगा, मिल जाएगा। ये देखिए कुछ नज़ारे हैं रावसगंज के, ये सब्जी मार्केट है, इधर पूरा थोक में सब्जी आता है रावसगंज में, और इधर कुछ ये एकदम भीड़ भाड़। ये देखिए ये दूसरा गेट है सब्जी मार्केट का, ठीक, और ये हम लोग अब जा रहे हैं सीधे, अब रिटर्न उबरा अपने बैक हो गए, ठीक। इमरती कॉलोनी उधर हमारे राइट साइड में पड़ता है, इमरती कॉलोनी से यादें बहुत पुरानी हैं। इधर देखिए पिछवाड़े हमारे, ये देखिए कुछ नज़ारे, ये कुछ यादगार, इमरती कॉलोनी का भी ब्लॉग बनाए हैं, देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक। ये देखिए ट्रक एक तो जा रहा है, ये देखिए एक तो और पीछे से चपटा हुआ ट्रक जा रहा है, वो भी कैप्चर हो गया हमारे वीडियो में। देखिए इसी तरह देखिए ब्लॉग बनाते हैं ना, तो बहुत चीज़ अच्छे अच्छे चीज़ें, बुरी बुरी चीज़ें भी कैप्चर हो जाती है, तो उस सब में उतना मत लीजिएगा, ठीक। कभी कल दोस्त यार के साथ रहते हैं तो कभी कल दोस्त लोग होते हैं, समझते हैं ना दोस्त, उसी तरह मुंह से गाली गलौज हो जाता है, वो सब के निकल जाता है, ठीक, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। वो अब कितना समझाया जाए, बस आप लोग ब्लॉग का एंजॉय लीजिए और ये सब थोड़ा वो देखिए और नज़ारे ये देखिए आप। कुछ धूप ज़्यादा है आज, और धूप से एकदम चिंचिन चिंचिन कर देता है मन घूमने में। ये देखिए इधर पूरा छाए एकदम अंधेरा, और फिर आगे देखिए धूप, फिर छाए फिर धूप, इसी तरह हो रहा है, एकदम हालत ख़राब। देखिए आगे एकदम चमकता हुआ धूप, ये देखिए इस तरह भीड़ उड़ एकदम। रावसगंज में हेलमेट लगा के ज़रूर चलिए, कभी भी हाईवे पे चलिए तो हेलमेट ज़रूर, सेफ्टी पहले, हेलमेट ज़रूर लगा लीजिए, कहाँ कि आपका चलान हो सकता है, तुरंत चलान होता है पटाख से, अब तो फ़ोटो खींचा जाता है तुरंत आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा, ठीक। तो हेलमेट सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी होता है, आपके चलान के लिए भी ज़रूरी होता है, ओके। तो चलिए और आगे शुरू कीजिए और नज़ारे का मज़ा लीजिए, इंजॉय कीजिए। ये अब हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखिए चूर्क वाले गेट, चूर्क भी एक बार गए थे हम लोग, लेकिन उस समय ब्लॉग उतना नहीं बनाए थे। ये देखिए चूर्क जाने का बाएं साइड चला जाएगा, बनाएंगे चूर्क का भी एक दिन ब्लॉग पूरा, एकदम मार्केट एकदम प्रोफेशनल, ठीक, वहाँ का भी बना देंगे, आप लोग देखिएगा इंजॉय कीजिएगा और नज़ारे का मज़ा लीजिए इंजॉय कीजिए। कुछ इस प्रकार से ब्लॉग बहुत दिन के बाद बनाने में कहीं कि बना देते हैं, कैप्चर कर देते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, वो भी थोड़ा लंबा ब्लॉग है तो ज़रूर प्यार दीजिएगा, ठीक। कम से कम देखते हैं आप लोग तो अच्छा लगता है, देखते हैं। ये देखिए आ गए अब हम लोग लोढ़ी के हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, ये देखिए हमारा जिला अस्पताल सोनभद्र, इसका नया वाला भी हॉस्पिटल बन रहा है पीछे है इसके, वो भी अब ब्लॉग बन चुका है। बस इस ब्लॉग के बाद लगातार सोनभद्र का 3-4 ब्लॉग कैप्चर हो चुका है लगभग में, वो भी आएगा, ठीक।
कम से कम बिल्ली, अरे बिल्ली कह रहे हैं सॉरी, सोनभद्र जिला स्टेशन, रेलवे स्टेशन और मॉल, जो दो ठो मॉल है यहाँ पर, वो दोनों मॉल का भी बना चुके हैं ठीक, वो भी आएगा। और हॉस्पिटल हो गया, जिला हॉस्पिटल नया पुराना दोनों का आएगा ठीक। और इको पॉइंट पे जो पिकनिक मनाने जाते हैं जहाँ जिधर सब, वो भी दिखाएंगे आपको, वाटरफॉल कैसे निकला है वो सब ब्लॉग हो चुका है। आसमान देखिए क्या नज़ारे हैं, और वो सब ब्लॉग भी आएगा। ये हम लोग आ चुके हैं मिसाइल चौराहा के पास फिर से, ये मिसाइल है तो मतलब मिसाइल चौराहा ना कहा जाएगा इसको, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ ब्लॉग हमारे बनाने का वो हो चुका है, तो आप लोग प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अब पहुँचा जाए 1,00,000 सब्सक्राइब किया जाए, सब्सक्राइबर कीजिए, बढ़िए जल्दी जल्दी पब्लिक ठीक, हो सके एकदम खूब आगे बढ़ाइए चैनल को। और ये देखिए टोल का यहाँ रेट है, सब देख लीजिए, स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारे सोनभद्र का रावसगंज से जाने का मतलब टोल पड़ता है ना जो बीच में रावसगंज के बाद, वो वाला है। और इधर से बनारस जाएंगे आप तो कम से कम 4 टोल पड़ जाता है मैम। ये देखिए मंगलेश्वर पहाड़ी यहाँ से भी दिख रहा है, एकदम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ड्रोन अभी नहीं, ड्रोन रहता तो और व्यूज दिखाता, लेकिन अभी मोबाइल जितना फ़ोन से ही कैमरे से ही दिखा दे रहे हैं आप सभी को। ये देखिए उतना दूर में पूरा छाया है बादल का, ये देख रहे हैं पूरा उतने दूर में, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है, सुंदर जिसको कहते हैं एकदम। आसमान देखिए इस तरह बादल रहता है ना, एकदम वाइट वाइट गोला गोला अच्छा लगता है। ये देखिए इको पॉइंट तोड़ के इस तरह कुछ लकड़ी के शेप में दे दिया गया है, पूरा इसका बैकग्राउंड घेरा हो रहा सब लकड़ी एकदम साधारण, पहले शीशा उसा का था वो सब निकाल दिया गया है, एकदम सादा प्लेन कर दिया गया है। ये मार्ग है वीर लोड़िक मार्ग, यहाँ पर वीर लोड़िक का समाधि बनाया गया है ना, जिस चट्टान को वीर लोड़िक महाराज काट दिए थे बीच में से, एक अपने एक वार से एकदम काट के आधा आधा कर दिए, वही वाला चट्टान है असली में रखा हुआ है इधर साइड में हमारे कुंडी घाटी के ऊपर, वो भी देखने के लिए बहुत लोग आते हैं दूर दूर से। सोनभद्र में अधिक रहस्यमय चीज़ें अधिक चीज़ें हैं। ये देखिए यही वाला चट्टान देखिए बीच में से कटा, वो एक तलवार से मस मार के काट देते हैं। ये देखिए हमारे हनुमान जी, बजरंग बली जी, जय श्री राम। और आगे माता दुर्गा का मंदिर, ये देखिए ये स्थिर माना गया है कि पहाड़ के ऊपर हनुमान जी का मंदिर जरूर रहता है, दुर्गा माँ का, ये दोनों लोग कहें कि पहाड़ के ऊपर रहते हैं, रक्षा करते हैं ठीक। हमारी को तो जन्मे करते हैं विंध्यवासिनी माता कश्मीर में, देखें कितना ऊंचाई चढ़ के जाए, इसीलिए माता और हनुमान जी का जरूर मंदिर रहता है, हर पहाड़ के जो रोड रहे चट्टान रहे हरदम देखा गया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारे, कुछ इस तरह से हम लोग उतरते हुए कुछ नज़ारे हैं, बड़े दिन के बाद हम लोग बना रहे हैं। अमन भी रहता अपने काम से, कहें चलो भाई अब कम से कम 8-9 महीना बाद इस तरह अमन के साथ बना रहे हैं, फिर ये चला जाता है अपना काम पे, तो हम लोग जब भी मिलते हैं तो इस तरह ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं, मस्ती मजाक चलता रहता है हम लोग में, बहुत जिगरी हम लोग दोस्त यारी एकदम। ये देखिए स्कॉर्पियो वाले एकदम सनसनाते हुए निकलते हुए, और पहाड़ देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है एकदम, देख रहे हैं ये देखिए एकदम ब्यूटीफुल। ये है हमारे सोनभद्र का सबसे मस्त पहाड़ एकदम ब्यूटीफुल सीन के साथ पहाड़ एकदम। ये देखिए नज़ारे पीछे भी एक तो आ रही है पिकअप, ये कुछ नज़ारे इस तरह, ये देखिए हेलमेट। हम लोग इसी तरह घूमते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये हरा भरा एकदम मारकुंडी घाटी से उतरते हुए, अब एक मुड़ान देखिए मुड़े, अब दूसरा मुड़ान इस तरह मुड़े, फिर तीसरा चौथा, 4 मुड़ान मुड़ना पड़ता है ठीक, इधर से ऐसे राइट फिर लेफ्ट फिर ऐसे मुड़ना पड़ता है ठीक। ये दूसरा वाला अभी मुड़ने जा रहे हैं हम लोग, पहला मुड़ गए, ये दूसरा, ब्रेकर भी एकदम जस्ट बना दिया गया मुड़ान से पहले 500 मीटर पहले, कि अपना स्पीड कम कर ले आदमी, लेकिन बहुत लोग तब पर भी ट्रक बस पलट चुकी है। एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे एक बार पिछले साल, पलट गया था सरकारी बस उधर यहीं से पलटा था। ये देखिए अभी भी कोई शायद गिरा था यहाँ, वो हुआ था ना, ये देखिए ये दूसरा, ये देखिए पूरा धूल उड़ाते हुए, इधर देखिए पूरा ईंटा लोग लिया वाला, कोई ट्रक व्रक पलटा था इधर, देखिए पूरा ईंटा गिरा है। ये कुछ नज़ारे हैं इस प्रकार से जैसा देख रहे हैं, और इस तरह से कुछ नज़ारे के साथ एकदम कुछ मारकुंडी घाटी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है जैसा व्यू देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए मारकुंडी पहाड़ एकदम हरा भरा, बरसात जब बारिश हो जाता है एकदम और हरा हरा एकदम हो जाता है मस्त, और इसके अंदर जानवर भी खूब मिलते हैं। एक बार इसी तरह हम लोग छोटे तो पेपर में निकला, अजगर निकला सबसे बड़ा, बहुत बड़ा सा,
रोड पे आ गया था मरकुंडी पहाड़ पे। ये देखिए एकदम खूबसूरत व्यू के साथ, ये देखिए एकदम पीछे हमारे एकदम मस्त व्यू के साथ एकदम मारकुंडी घाटी सब उतर चुके हैं हम लोग। ये देखिए कुछ व्यू मारकुंडी घाटी का भी दो बार ब्लॉग बनाया है, फुल देख लीजिएगा। जिसके ऊपर एक तो वीडियो पे 20,000 इस तरह करके व्यू आया है, वो वाला मैंने बारिश के टाइम में बनाया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था उस समय भी, 2200 इसमें का था। मैंने पॉपुलर वीडियो में होगा, देख लीजिएगा आप लोग। और ये देखिए खेत, इधर का पूरा खेत अभी सूखा सूखा थोड़ा है, गेहूँ धान उन बोआया हुआ जिसका सीजन होगा, तो कुछ इस प्रकार से व्यू है जैसा देखिए। ये देखिए खेत एकदम कुछ व्यू के नज़ारे लेते हुए इसी तरह इंजॉय करते हुए, हरा हरियाली जहाँ घूमते हैं। देखिए आप सभी को ज़रूर दिखा देते हैं, दिखाने वाला कहें बहुत दिन हो चुका है, पूरा एकदम ब्लॉग दिखा दे फुल डिटेल एकदम पूरा रोड से होते हुए यात्रा, जितना रावसगंज जाते हैं बीच बीच में जितने नज़ारे पड़ते हैं, मेन मेन चीज़ मेन मेन आप सभी को सब दिखा दिए हैं। ऐसा नहीं है कि छूटा है कोई, जैसे मेन मेन जो जैसे ये सलखन हो गया, आप सलखन सब निकल रहे हैं, ये सलखन भी दिखाए थे उधर से आते समय। ये देखिए मंगलेश्वर पहाड़ी महादेव मंदिर, वो देख सबसे चोटी पे मंदिर है, उसका ब्लॉग देख लीजिएगा, आई बटन में आप सभी को मिल जाएगा ठीक। ये देखिए इधर से जाने का मंगलेश्वर का, ये देखिए चौपन का ब्रिज जो ट्रेन वाला ब्रिज है वही ब्रिज है, ये देखिए चौपन से आने जाने वाला ट्रेन इसी तरह आती है, सोन नदी के ऊपर से ब्रिज बना हुआ है वही ब्रिज, कुछ इस तरह देखिए एकदम ब्यूटीफुल। ये देखिए यहाँ से अब हम लोग होते हुए दो ठो ब्रिज उधर से आने वाला, इधर वाला डैमेज हो गया था ना अभी, इधर वाला रिपेयरिंग हो गया, अब ट्रक व्रक सब जाने लगी, नहीं तो पहले बाइक बस जाती थी। तो यही कुछ नज़ारे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं और इस प्रकार से कुछ व्यू है, तो यही है कुछ नज़ारे। ये देखिए सोन नदी सूख चुका है, उतना पानी है नहीं अभी, फिर पानी उनी बरसेगा बरसात में, सावन में, सावन आने वाला ही है तब जाके खूब भर जाएगा। ये देखिए मंगलेश्वर पहाड़ी एकदम सुंदर, इसके पास जाएंगे इतना हरा भरा जंगल है ना, दूर से तो इस तरह एकदम जंगल ही जंगल है, वो ब्लॉग देखेंगे तो आप सब समझ में आएगा कि कैसा नज़ारे रहते हैं वहाँ पर, देखिएगा जरूर, इंटरेस्ट होंगे तो ज़रूर देखिए। वो देखिए वो अलग ही जा रहा है ट्रक वाला, उल्टे जा रहा है, जब ये वाला खुल चुका है तो उधर से जाने का कौन मतलब है, यही होता है रॉन्ग साइड से आते हैं कभी कभी ट्रक वाले, तो बहुत तेज दिमाग ख़राब होता है, मतलब ट्रक लिए हैं तो इसका मतलब कि किधरों से घुस जाते हैं सब, बुरा मत मानेंगे लेकिन बेकार लगता है ठीक ना। वो पूछिए जब इस तरह ट्रक वाले या सामने से आ गए, हादसा ही इस तरह कभी कभी हो जाता है। ये देखिए अब चौपन आ चुके हैं हम लोग, ये चौपन कुछ आ चुके हैं, अब चौपन का बाज़ार, ये इस प्रकार से कुछ व्यू। ये देखिए रिलायंस टंकी दिखा होगा आप सभी को बोर्ड राइट साइड में, इधर से देखिए अब चौपन बाज़ार देखते हुए फिर अब ओबरा पहुँचेंगे, फिर इंजॉय लीजिए आप लोग ब्लॉग का। ये बाज़ार देखिए इस साइड से, उधर से दिखा दिए हैं जाते समय, इधर से दिखाएं तो उस साइड से राइट साइड जो सड़क है उधर से दिखाएं, अब इधर से जाते समय दिखा दे रहे हो, दोनों साइड का इस तरह कैप्चर हो गया, ये मत सोचिएगा सब दिखा दिए आप सभी को, आते जाते मेन मेन चीज़ सब दिखा दिए हैं ठीक। तो आप लोग ज़रूर प्यार एकदम लाइक कर दीजिएगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा, एक नाइस भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं ठीक, नाइस वेरी गुड इस तरह, नाइस वीडियो इस तरह लिख दिया कीजिए, अच्छा लगता है, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, लाइक वाइक कर दिया कीजिए अच्छा लगता है तो ठीक, ये नहीं कह रहे हैं अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, इस तरह हम लोगों को भी अच्छा लगता है लाइक कर। मस्त बना था वो बनारस की तरह एकदम, खोआ हुआ डाल के नहीं, खोआ मलाई डाल। चलिए दोस्तों आप लोग सभी को कैसा लगा, अब दशहरा भी आएगा ही, सावन में दिखाएंगे अभी सब ब्लॉग आएगा ठीक। तो ये देखिए कुछ नज़ारे हैं यहाँ पर भी, दुर्गा पंडाल लगता है ना चौपन में, वो दिखाएंगे, और ये कुछ अब जाते हुए यहाँ से। तो आप सब इसी तरह प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए, और ब्लॉग आती रहेगी, ऐसा नहीं है कुछ दिक्कतें बीच बीच में आती रहती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, दिक्कतें रहती है ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सब लगा रहता है। मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम गदगद रहिए आप सब, एकदम दुख को हराते हुए एकदम उससे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहिए, भगवान जब साथ हैं भगवान का नाम लेते रहिए ठीक। बस यही है, भगवान हर समय है आपके साथ, बस उनको याद कीजिए, वो भी आपको ज़रूर हर कष्ट से निवारण करेंगे। सहन शक्ति सबसे ज़्यादा होना चाहिए,
ये है कि सहना सीखना चाहिए, जितना आप सहेंगे उतना ही पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बोलिए मत किसी चीज़ को, कोई आपको बोलता है दो बात बोल दे रहा है तो सह लीजिए, वो सहेंगे तो वो अलग चीज़ आपको प्रभाव देगा। अब दूसरा गाली दे रहा है आप भी गाली देंगे तो अच्छा। यहाँ पर भी महादेव का एक सुंदर सा मंदिर है, वो भी ब्लॉग बनाए थे, देख लीजिएगा। ठीक, ब्लॉग मेरा अधिकतर बहुत जगह का बना चुके हैं, बस आप लोग देखिए पूरा ब्लॉग इंजॉय कीजिए, आप सभी को अच्छा लगेगा ज़रूर। आप सभी के लिए ही बनाते हैं पूरा ब्लॉग। ठीक, सोनभद्र ओबरा का तो अधिकतर पूरा कॉलोनी वलोनी बना चुके हैं। अब सोनभद्र में जहाँ जहाँ दूर दूर जाते हैं वहाँ का भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, अब कोशिश जारी रहेगा। ठीक, यहाँ से मंगलेश्वर पहाड़ी, हर हर महादेव। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, बस यही दिल से दुआ है। और प्यार अपना ज़रूर बनाए रखिए। लव यू दोस्तों, मिलेंगे फिर और नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका भाई ये राहुल शाह, मिस्टर राहुल शाह, ये मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक, तो आप लोग प्यार इसी तरह बनाए रखिए, लव यू, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, एकदम गदगद रहिए। ओके। मुँह खोलो, पहला ही गुटका थूका यह हो गया, लाल लाल खून निकल गया क्या मुँह से तुम्हारे? देखिए गाली दे रहा है। गाली सुनने वाला काम कर ही रहे हो, गाली नहीं सुनोगे मारेंगे ना। चलिए लेके घरे का जाते रस रे।